ये हमारे पास आर्टिका गाड़ी आई हुई है और इसमें क्या है, सीएनजी की लाइट आ रही है और सीएनजी कन्वर्ट नहीं हो रही है गाड़ी में, और डीटीसी कोड जो आ रहा है P0005 आ रहा है, P0005 फ्यूल शट ऑफ वाल्व, एक कंट्रोल सर्किट ओपन करके ये हमारे पास वो डीटीसी कोड आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसकी वायरिंग चेक करी है, जो कि शट ऑफ कंट्रोल रिले जो है हमारा, सेट ऑफ कंट्रोल रिले ये वाला है, इससे इस पॉइंट से ये हमारा जो कंट्रोल मॉड्यूल है सीएनजी कंट्रोल मॉड्यूल में, इस वाले पॉइंट पे इससे हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे, जो कि सर्किट हमारा ये है, ये वाला सर्किट है। तो पहले वाला जो सर्किट है इसमें हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल रही है, और कंटिन्यूटी भी चेक करिए तो पहले वाले सर्किट में मिल रही है, और दूसरा जो सर्किट है हमारा E23 कपलर पे 9 वाला पॉइंट जो हमारा है, उसमें हमें रेजिस्टेंस ना मिल रहा है ना ही कंटिन्यूटी मिल रही है। तो वैसे बेसिकली रेजिस्टेंस चेक करते हैं हम, तो इसे हमने अभी लगा दिया है रिले पे, और इसके हमने ये एक नंबर वाले पॉइंट पे लगा दिया है, इस पर वैल्यू आ रही है हमारी 11.4 ओम की वैल्यू आ रही है, और इसको जब हम लगा रहे हैं 9 वाले पिन पे, तो आप देख सकते हैं इसमें की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, जो वैल्यू आती है इनफाइनाइट आ रही है इसमें। और इस पर अगर हम कंटिन्यूटी भी सेट करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, और इसको हम एक नंबर वाले पिन पे लगा रहे हैं, तो इसमें देख सकते हैं ये कंटिन्यूटी भी आ रही है। तो ये वाली वायरिंग में डिफेक्टिव है, तो एक बार फिजिकली हम चेक कर लेंगे कहीं से ये डिफेक्टिव है कि नहीं। तो इसकी ये जो फिजिकली वायरिंग हम एक बार चेक कर लेते हैं, ये वाली वायरिंग आप देख सकते हैं यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है यहाँ से, उसके बाद ये जा रही है यहाँ पे, और फिर यहाँ से ये आगे जा रही है, यहाँ तक तो कोई ऐसा डैमेज नहीं दिख रही है। फिर ये वायरिंग आपके ऐसे ऐसे घूमते हुए आगे आ रही है, उसके बाद यहाँ आ गई है घूमते हुए, फिर यहाँ से ये है, और ये होते हुए इधर गई है यहाँ पे, और ये वाली यहाँ से आ रही है घूमते हुए पीछे गई, फिर यहाँ आई, फिर ये आई, और ये वाली यहाँ आई। तो यहाँ तक तो कुछ ऐसा डैमेज नहीं दिख रहा है, और फिर यहाँ से होते हुए ये इसके अंदर आ रही है, तो कोई भी ऐसा फिजिकली डैमेज तो इस वायरिंग में है नहीं। तो ये वायरिंग क्या है, इंटरनली कहीं से डैमेज हो सकती है, इंटरनली डिफेक्टिव हो सकती है।